हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो उन सभी एंजल के बीच बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है, पर अल्ट्रा वेजिटो को शांत देखकर वो सभी एंजल्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लग रहे होते हैं। वेजिटो एकदम से उन एंजल से बोलता है कि तुम ज़रा रुको बेवकूफ़ो, मैं बहुत जल्द ही तैयार हो जाऊँगा फाइनल बैटल के लिए। उनमें से एक एंजल बोलता है कि तुम लोग तैयार हो जाओ, ये फिर से आने वाला है। और एक दूसरा एंजल बोलता है कि उसे वहाँ से हिलने मत देना। वेजिटो बोलता है कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है मेरे अंदर, पर वेजिटो के ऊपर इन सब बातों का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कोई तो है बाहर जो कि मेरे पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वो मेरे पावर को चुरा नहीं रहा है, पर किसी तरीके से वो उस पावर को एक्सेस कर पा रहा है। और जिस पावर को वो एक्सेस कर रहा है, वो पावर पूरी तरीके से डिमोनिक है। और इस वक्त भी मैं बिल्कुल वही चीज़ को फील कर पा रहा हूँ अपने चेस्ट के अंदर, जिस चीज़ को मैंने थोड़ी देर पहले फील किया था। पर आखिर मेरे पावर को कौन एक्सेस कर रहा है, आखिर वो कौन है? लगता है वेजिटो को समझ चुका है कि उसके पावर का कोई इस्तेमाल कर रहा है, पर कौन इस्तेमाल कर रहा है ये वेजिटो समझ नहीं पा रहा है। पर हमें पता है कि यह है वेजिटा और गोकू, और इस वक्त वेजिटो जिसे महसूस कर रहा है वो वेजिटा है। वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही एक एंजल काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ आने लग जाता है। वो एंजल बोलता है कि अब तो मरो यहाँ पर। वो एंजल काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ आ रहा होता है, पर वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। और जैसे ही वेजिटो को महसूस होता है कि वो एंजल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, वैसे ही वेजिटो अपना सिर उठाता है और वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत जल्द तैयार हो जाऊँगा, तो आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मरने की? वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से स्लेयर ब्लेड चला देता है उस एंजल के ऊपर। और उस एंजल के कुछ करने से पहले ही वेजिटो एकदम से उस एंजल को दो टुकड़ों में काट देता है। इस चीज़ को देखकर वो एंजल बोलता है कि नहीं, पर कैसे? वेजिटो को ऐसा करते ही उस एंजल के बॉडी से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और उस एंजल की बॉडी एकदम से दो टुकड़ों में कट के ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। चारों तरफ उस एंजल के सिर्फ खून होते हैं। इस चीज़ को देखकर बाकी के एंजल्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। एक एंजल बोलता है कि क्या काशी? एंजल काशी के मौत को सहन नहीं कर पाता, जिसके वजह से वो एंजल भी काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। वो एंजल बोलता है कि तुम ऐसा करके मुझसे बच नहीं सकते। और उस एंजल के साथ एक और एंजल होता है। दो एंजल वेजिटो की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और दोनों एंजल वेजिटो के ऊपर तलवार से अटैक करने वाले होते हैं। और जैसे ही वेजिटो को मौका मिल जाता है अटैक करने का, वैसे ही वेजिटो तेज़ी से स्लेयर ब्लेड चला देता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में वेजिटो के स्लेयर ब्लेड के चलाने का इम्पैक्ट दिखता है हमें उन दोनों एंजल्स के ऊपर। वेजिटो उन दोनों एंजल्स के बीच से निकल जाता है, पर वेजिटो उन दोनों एंजल्स की बॉडी को दो टुकड़ों में काट देता है। वेजिटो ने उन दोनों एंजल्स का सिर और पैर अलग कर दिया होता है। वेजिटो के चेहरे पर फिर से एविल स्माइल लौट आ चुकी होती है। वेजिटो का चेहरा खून से रंग चुका होता है। वेजिटो बोलता है कि लगता है अब तुम्हारी बारी आ चुकी है फिर से मेरे दोस्त। वेजिटो को ऐसा बोलते ही वो एंजल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसके ऊपर वेजिटो ने एक एनर्जी ब्लास्ट किया था। वो एंजल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था और अब तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है, जिसके वजह से वो एंजल पीछे की तरफ जा रहा होता है। वो एंजल बोलता है कि नहीं नहीं, शीन जल्दी से यहाँ पर आओ और हमारी मदद करो। ये बोलते हुए वो एंजल काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भाग रहा होता है। वो एंजल बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम हमारी मदद करोगे और तुमने तो ये भी कहा था कि हम लोग इस बैटल को जीत सकते हैं। उस एंजल को इस तरीके से भागता हुआ देख वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि लगता है हमारे पास एक भगोड़ा है, मुझे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बोलते हुए वेजिटो अपने स्लेयर ब्लेड को चलाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर वो एंजल काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है शीन के, पर शीन तक पहुंचने से पहले ही वेजिटो अपना तलवार आसमान की तरफ कर देता है और एकदम से वेजिटो स्लेयर ब्लेड के लेंथ को बढ़ाने लग जाता है। और जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है, वैसे ही वेजिटो बोलता है कि कोई भी कुत्ते का बच्चा मुझसे बच के नहीं जा सकता यहाँ से। और जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है, वैसे ही वेजिटो एकदम से स्लेयर ब्लेड चला देता है उस एंजल के ऊपर और उस एंजल को वेजिटो का अटैक लग जाता है। वो एंजल एकदम से शीन के सामने ही अपना दम तोड़ देता है और शीन बस इस चीज़ को देखता रह जाता है।
शेन के आंखों के सामने एक एंजल मारा गया रहता है। शेन बोलता है कि मैंने आज तक इतना ज्यादा एंजेलिक ब्लड फैला हुआ नहीं देखा है और ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है, और मुझे पता है कि एंजल ब्लड कितना ज़्यादा पवित्र होता है। जिस चीज़ को सुनकर वेजिटो बोलता है कि पवित्र, हाँ इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, और जो कुछ भी तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ तुम्हें तो पता ही है कि मैं उनके साथ बस खेल रहा था। हम लड़के तो लड़के ही रहेंगे, हम तो इसी तरीके से खेलते हैं। तभी वो वॉरियर जिसका नाम शिन है वो बोलता है कि ब्रदर, हाँ मैं इन्हें भाई नहीं बुलाता, ये मेरे स्टेप ब्रदर्स है। शिन के ऐसा बोलते ही शिन अपना स्काफ उतार देता है, पर अब भी शिन का चेहरा बालों से ढका हुआ होता है जिसकी वजह से शिन का चेहरा रिवील नहीं होता। शिन बोलता है कि मेरा कंपैरिजन इन बच्चों से मत करना गॉड किलर, मैं चाहता था कि तुम इन बच्चों के साथ अपना वार्म अप ख़त्म कर लो। वेजिटो बोलता है कि ओह तुम्हें ऐसा लगता है, ये तो फैमिली ड्रामा है, तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया, पर जो लास्ट वाला एंजल था वो भीख मांग रहा था तुमसे अपनी जान की, लगता है उसे तुम्हारे पावर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है दोस्त, तो उसके भरोसे को तोड़ना मत और कायम रखना उसके भरोसे को। और इसके बाद ये वॉरियर वेजिटो से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे मूव्स को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहा था जब तुम उन चारों का मुकाबला कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर देना चाहता हूँ, तुम उन मूव्स का इस्तेमाल मेरे खिलाफ मत करना। तभी वेजिटो इस बात को सुनकर बोलता है कि मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, पर तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपना चांस फिर भी लूँगा। जिन टेक्निक्स को तुमने थोड़ी देर पहले देखा उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने काफ़ी सारे एंजल्स को हराया है, और इन टेक्निक्स ने मुझे पहले भी कभी निराश नहीं किया, और मुझे पता है ये अब भी नहीं करेंगे। जिन बोलता है कि जो कुछ भी हो गॉड किलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, और वैसे भी तुम तो हमेशा से ही ऐसे ही रहे हो, तुम्हारे ऊपर वार्निंग का असर नहीं होता, तभी तो तुम इस लेवल तक पहुंच पाए हो। वेजिटो बोलता है कि तुम तो अभी और इस वक्त इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे काफ़ी दिनों से जानते हो, मुझे लगता है कि मेरी लेजेंडरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और वो और भी ज़्यादा मशहूर होती जा रही है, इसीलिए मुझे हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमसे पहले भी काफ़ी सारे लोग आए जो कि मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा फाइटिंग पोजीशन तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है तुम्हारे साथ लड़के थोड़ा मज़ा आएगा, पर उससे पहले तुम्हारा जो हाथ है तुम्हारे चेहरे के सामने उसे काटने में ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। ये बोलते हुए वेजिटो काफ़ी तेज़ी से शीन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो ने अपने हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड बना लिया होता है और वेजिटो की तेज़ी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वेजिटो की तेज़ी इस वक्त इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटो एक ही पल में शीन तक पहुँच जाता है। जैसे ही वेजिटो अपना स्लेयर ब्लेड शीन तक लेकर पहुँचता है वैसे ही हम देखते हैं कि शीन एकदम से वेजिटो के अटैक को रोक देता है। शिन काफ़ी आसानी से वेजिटो के अटैक को रोक देता है जिसकी वजह से वेजिटो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। शिन सिर्फ वेजिटो के अटैक को रोकता ही नहीं है बल्कि वेजिटो के ऊपर भी एक और अटैक कर देता है। जैसे ही शिन के अटैक का इंपैक्ट वेजिटो तक पहुंचता है वैसे ही इस अटैक के इंपैक्ट से वेजिटो हिल गया रहता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या था। वेजिटो को शिन कागज की तरह उड़ा देता है और एकदम से वेजिटो ज़मीन के ऊपर से खिसकता हुआ काफ़ी दूर जाकर रुकता है। वेजिटो को जैसे ये हिट लग जाता है वेजिटो समझ जाता है कि शिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर वेजिटो इस चीज़ को मानता नहीं है। वेजिटो बोलता है कि ये तो एक लकी हिट था। ये बोलते हुए वेजिटो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और एकदम से वेजिटो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। वेजिटो की हालत थोड़ी सी खराब लग रही होती है और वेजिटो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लकी हिट था, पर तुम्हारे उस हिट के पीछे ज़रूर कोई बड़ी ताकत छुपी हुई है, आखिर तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा पा रहे हो, वो भी जब मैं अपने इस फॉर्म में हूँ, इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो, पर तुम इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो कि मुझसे ये बैटल जीत जाओ, पर क्योंकि लिए तुम बाकियों से थोड़े ताकतवर हो इसलिए मैं तुम्हें अपनी थोड़ी और ताकत दिखा पाऊँगा, और इसका सीधा मतलब ये है कि अब तुम्हें कुछ भी मौका नहीं मिलने वाला है मुझे दिखाने का मेरे दोस्त, और ये लास्ट चीज़ है जो तुम देखने वाले हो अपने आँखों से। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद शिन को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, शिन एकदम से शांत खड़ा हुआ होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो एकदम से हल्का सा सांस छोड़ता है और वेजिटो को ऐसा करते ही वेजिटो एकदम से अपने फिस्ट को बंद कर लेता है। वेजिटो के अपने फिस्ट को बंद करते ही वेजिटो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वेजिटो के पावर अप करते ही वेजिटो के चारों ओर से रेड इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आने लग जाते हैं। वेजिटो के मसल्स फूलने लग जाते हैं
और वेजिटो के पावर अप करते ही वेजिटो का ऑरा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। वेजिटो का पावर अप इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस पावर अप का इम्पैक्ट शेन तक भी पहुँच रहा होता है, पर इसके बावजूद शेन बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। शेन बोलता है कि तो इसका मतलब रीमैच फिर से होने वाला है। शेन के इतना बोलते ही शेन किसी चीज़ को नोटिस करता है और शेन एकदम से हैरान रह जाता है। शेन देखता है कि उस तक वेजिटो पहुंच चुका है और वेजिटो ने अपने हाथ में 3 कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बॉम्ब्स बना लिए होते हैं। वेजिटो शेन से बोलता है कि उस चीज़ को अपने मुँह से उतार के फेंक दो, मैं तुम्हारा प्यारा चेहरा देखना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वेजिटो उन अटैक्स को एकदम से शूट कर देता है शेन के ऊपर, पर इतने पास से इन अटैक्स को शूट करने के बावजूद वेजिटो का अटैक शेन को नहीं लगता। शेन बोलता है कि ज़्यादा घमंडी बनने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम से शेन अपने आप को नीचे झुकाकर उन अटैक्स को डॉच कर देता है। वेजिटो का अटैक तो मिस हो जाता है, पर अब शेन वेजिटो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिस चीज़ का एहसास वेजिटो को भी हो जाता है, पर वेजिटो कुछ कर नहीं पाता। शेन का अटैक वेजिटो को लग जाता है। शेन ने एक ज़बरदस्त मंच मारा हुआ होता है वेजिटो के चेहरे पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता वेजिटो के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पावर अप किया, इससे मेरा स्पीड ही नहीं बल्कि मेरा पावर भी इंक्रीज हुआ है बेवकूफ़। और अपने अटैक का इतना कम इम्पैक्ट देखकर शेन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। शेन बोलता है कि क्या आखिर उस पावर अप से तुम कितने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो। वेजिटो बोलता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। ये बोलते हुए वेजिटो एकदम से शेन के हाथ को ग्रैब कर लेता है और अब वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मार देता है शेन को। इस पंच को खाने के बाद शेन बोलता है कि गॉड किलर, तुम तो एक जानवर हो। जैसे ही शेन ऐसा बोलता है वैसे हम देखते हैं कि शेन का एक आँख भी सेरिफिम ब्लू होता है, और इस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलता है कि तुम भी। शेन अपने हाथ को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है वेजिटो से, और शेन और वेजिटो बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं फिर से। शेन बोलता है कि आखिर तुम हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो एक एंजेलिक टेक्निक है जो कि एंजल्स के द्वारा बनाई गई है, क्या तुम इसे इस राइम में देखकर हैरान हो, और शायद तुमने इन आंखों को अपने राइम में भी देखा होगा, और शायद मेरे जैसे किसी एंजल ने तुम्हारे राइम में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। वेजिटो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ वो ग्रैंड प्रिंस था, और मुझे अब भी पता है कि इन बालों से ढके हुए चेहरे के पीछे शायद ग्रैंड प्रिंस ही मौजूद है, पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या तुम अभी तक इसी वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हो, वही सायान वर्जन, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। शेन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सेरिफिम आंखों का कलर चेंज करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, आंखों का कलर चाहे जो कुछ भी हो पावर के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता, शायद तुम जैसे मॉडल्स के ऊपर इसका फर्क पड़ता होगा क्योंकि तुमने तो इस टेक्निक को कॉपी ही किया है, पर मेरी आंखों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तभी वेजिटो एकदम से शेन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि वो हम देखेंगे कि इसकी आंखों में कितना है दम। तभी शेन बोलता है कि ज़रूर, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। शेन के इतना बोलते ही शेन देखता है कि वेजिटो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, और वेजिटो के शेन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आते ही लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों वॉरियर आसमान में हर जगह टकरा रहे होते हैं जिसके वजह से एक छोटे मोटे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, और जैसे ही हम इस लड़ाई को जूम करके देखते हैं हमें दिखता है कि वेजिटो एक ज़बरदस्त किक मारने में कामयाब हो जाता है शेन के ऊपर। वेजिटो का ये किक ज़बरदस्त होता है जिसकी वजह से वेजिटो को एक और मौका मिल जाता है शेन के ऊपर अटैक करने का, और जैसे ही वेजिटो इस बार शेन के ऊपर एक और अटैक करता है वैसे ही हम देखते हैं कि शेन उस अटैक को डॉच कर देता है, और अब शेन तैयार हो जाता है एक और अटैक करने के लिए वेजिटो के ऊपर। इसी तरीके से वेजिटो और शेन के बीच लड़ाई चलता रहता है, और वेजिटो शेन को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि मुझे माफ़ करना शेन, चाहे तुम कोई एंजल हो या ना हो, तुम्हारा सेरिफिम कुछ भी नहीं है मेरे सेरिफिम के आगे। और जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है शेन के ऊपर। वेजिटो एकदम से अपने हाथ से शेन के कपड़े को क्रैप करता है, और वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, पर अब तुम्हें बहुत ही जल्द पता लगने वाला है कि तुम किसका मुकाबला कर रहे हो। ये बोलते हुए वेजिटो अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाता है, और वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है शेन के ऊपर, और वेजिटो बिल्कुल ऐसा करने में कामयाब हो भी जाता है। वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है शेन के ऊपर, और जैसे ही वेजिटो ये पंच मारने में कामयाब हो जाता है शेन के ऊपर वैसे ही शेन के चेहरे के आगे जो बाल थे वो एकदम से हट जाते हैं, और ये रिवील हो जाता है कि शेन चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो शेन अपने दोनों सेरिफिम आँखों का इस्तेमाल कर रहा है। शेन के दोनों आँखें सेरिफिम ब्लू होते हैं। शेन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सेरिफिम मेरे सेरिफिम से भी आगे है। जैसे ही वेजिटो दोनों सेरिफिम आँखों को देखता है वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम डाई हो क्या,
वेजिटो एकदम से पीछे की तरफ खिसक जाता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। शेन बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है, पर वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि ये नहीं हो सकता, क्या ये तुम ही हो डाय? जल्दी से अपना मुंह खोलो और अपने आप को रिवील करो बेवकूफ। तभी शेन बोलता है कि हमेशा की तरह इम्पेशेंट सेयन, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटो, हाँ ये मैं ही हूँ डाय, फॉर्मर ग्रैंड प्रिस्ट, जिसे तुम हरा नहीं पाए। इस बात को सुनकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो की तीनों आंखें फटी की फटी रह जाती है। वेजिटो बोलता है कि तुम फाइनल एम्परर हो, मुझे लगा था, पर मुझे ये नहीं लगा था कि सच में फाइनल एम्परर तुम ही होगे। पर कैसे? पता है डाय, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि तुम फाइनल एम्परर हो। और पता है क्यों? क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम इस राइम के फाइनल एम्परर हो। तुम तो शायद काजुआ को भी नहीं हरा सकते हो, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी डाय बोलता है कि मुझे लगा था कि हमारे रीयूनियन में तुम और अच्छी अच्छी बातें करोगे वेजिटो, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम फिर से सही हो। तभी वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है और वेजिटो अपने पास किसी चीज को नोटिस करता है और वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ देखता है। वेजिटो को आसमान में एक टोम शिप का कुछ दिखता है, जिसे देखकर वेजिटो समझ जाता है कि वहाँ पर कौन है। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर शायद जेनो होगा। वेजिटो को वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ दिखता है, पर अब भी रिवील नहीं हुआ होता कि आखिर वो शख्स है कौन। पर वेजिटो को लग रहा होता है कि वो फाइनल एम्परर है ऊपर। वेजिटो बोलता है कि ठीक है टाय, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर इस राइम का फाइनल एम्परर कौन है, और ये मत बताना कि वो बेवकूफ बच्चा है। मैंने इससे पहले देखा कि उसे हराना कितना ज्यादा आसान था। तभी इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि तुम इस तरीके से जेनो के बारे में बात नहीं कर सकते, और तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं। अगर तुम एक बारी मुझे हराने में कामयाब हो गए, जो कि मुझे नहीं लगता है, उसके बाद तुम उसका सामना करोगे जो कि मेरे क्रिएटर है, जो कि है मेरी मदर, जिन्हें मदर्स ऑफ ऑल एंजल्स भी कहा जाता है। तभी इसके बाद ये रिवील हो जाता है कि आखिर वहाँ पर ऊपर कौन खड़ा हुआ है। वो होती है ग्रैंड प्रिस्ट की मदर। वो बोलती है कि यहाँ से फाइट देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आखिरकार मुझे गॉड किलर को देखने का मौका मिल ही गया। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ग्रैंड प्रिस्ट के मदर का फेस भी रिवील हो जाता है। इनके पास दो सेरिफिम आँखें होती है और दोनों का कलर अलग होता है, एक रेड और एक ब्लू, जिसे शायद हम नेफ्लेम कहते थे। ग्रैंड प्रिस्ट की मदर बोलती है कि अपना बदला ले लो डाय, अगर तुम इसे हराने में कामयाब हो जाते हो तो तुम अपने भाई से बदला लेने में भी कामयाब हो जाओगे। ओ मेरे प्यारे बेटे लूसीफ, मैं तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करती हूँ। वेजिटो समझ गया रहता है कि उसे क्या करना है। वेजिटो बोलता है कि मदर्स ऑफ ऑल एंजल्स, हाँ तो डाय का बोलने का मतलब ये है कि वो छावी जो वहाँ पर खड़ी हुई है वो फाइनल डीमन एम्परर है। वेजिटो के मुँह से ये निकला ही होता है कि वेजिटो किसी चीज़ को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि तुम मेरे मदर को इस तरीके से नहीं बुला सकते। अपने मदर की बेइज्जती होते देख अपने सामने ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से पावर अप करने लग जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट के पावर अप करते ही ग्रैंड प्रिस्ट के पंख बाहर आने लग जाते हैं, पर इस बार दो की जगह चार पंख बाहर आते हैं और इन चारों पंखों का कलर ब्लू होता है। ग्रैंड प्रिस्ट का हाथ एकदम से फैदर से ढक जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट के बॉडी का साइज फिर से बढ़ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट के मसल्स काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं और देखते ही देखते ग्रैंड प्रिस्ट के चेहरे के बीच में भी एक सेरिफिम सिंबल आ जाता है, जिस तरीके का सिंबल ग्रैंड प्रिस्ट के चेस्ट के बीच में है। और ग्रैंड प्रिस्ट पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने फाइनल फॉर्म में। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि ये रहा गॉड किलर, इस बार इस लड़ाई को मैं ही जीतने वाला हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट के ऑरा से इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है कि वेजिटो तक भी वो एनर्जी पहुँच रही होती है, पर वेजिटो ज़्यादा देर नहीं करता। वेजिटो ग्रैंड प्रिस्ट के इस फॉर्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि तो तुम इसी पावर को छुपा रहे थे, चार पंख, हाँ तुम इस चीज़ को रोज नहीं देखते, पर बदकिस्मती की बात है तुम्हारे लिए कि हम दोनों इस खेल को खेल सकते हैं। वेजिटो को ऐसा करते ही वेजिटो एकदम से पावर अप करता है और वेजिटो के पावर अप करते ही वेजिटो के पास भी चार पंख आ जाते हैं और चारों पंखों का कलर रेड होता है। और जैसे ही वेजिटो का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, वेजिटो बोलता है कि मैंने इस फॉर्म का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है डाय, और मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे और ज़्यादा नए ट्रिक्स दिखाने वाले हो। ये बोलते हुए वेजिटो एकदम से तैयार हो जाता है डाय का मुकाबला करने के लिए एक बार फिर। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।